होता है संसार। अगर कलर संसार कैसे होता है, हम लोग आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं जिसका कलर ग्रीन रहता है, इसलिए हरा भरा संसार कलर रहता है, तो हमको इसको ग्रीन बना के रखना है। तो हम आसपास बहुत सारे जो प्लांट देखते हैं वो कोई छोटे, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, कुछ मीडियम साइज के होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। यानी आपका दो तरह से प्लांट होता है, एक स्मॉल और एक बिग। तो बिग प्लांट को सभी लोग जानते हैं कि उनको ट्रीज कहा जाता है, पेड़ कहते हैं। तो ट्रीज कैसा होता है, टॉल होता है, लंबा होता है, बिग बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत होता है, उसको आसानी से खड़ा नहीं कर सकता है, एंड वुडी स्टेम, और उसके तने में बहुत मोटी लकड़ी होती है, जिसको वुडी स्टेम कहते हैं, यानी लकड़ी वाला स्टेम का तना होता है, जिसको हम ट्रंक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अब आते हैं बिग और स्मॉल बताया, तो बिग में एक ही वेराइटी होती है, वहीं पर स्मॉल प्लांट में फोर तरह की वेराइटी होती है, चार तरह के स्मॉल प्लांट होते हैं। कैसे, जैसे हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। हर्ब्स क्या है, हर्ब्स का मतलब हो गया ऐसे पौधे वो जो बहुत छोटे होते हैं, जिसको कोई भी छोटा बच्चा भी आसानी से तोड़ सकता है। तो स्मॉल एंड सॉफ्ट स्टेम, उसकी क्या पहचान है कि बहुत छोटा होता है और उसका स्टेम जो होता है, तना होता है, बहुत हरा होता है और वो आसानी से टूट जाता है, हाथ से छोटा एक बच्चा भी तोड़ सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि ग्रास, घास को आपने देखा है, तो घास एक छोटा बच्चा बच जाएगा तो इतना छोटा होता है, वो आसानी से उसको उखाड़ सकता है। फिर उसके अलावा आपके घर में मिंट आता है, मिंट क्या होता है, पुदीना। उसके बाद कोरिएंडर, कोरिएंडर माने धनिया पत्ता, जो आसानी से हाथ से मम्मी लोगों को आपने देखा होगा तोड़ते हुए, वो होता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट स्टेम वाले जो स्मॉल, बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। यानी हरे हरे पौधे होते हैं एकदम, वो पूरा उसका तना भी और स्टेम भी, पौधा भी पूरा हरा होता है, इसलिए उसको हर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं श्रब्स। श्रब्स क्या है, ऐसे पौधे जो ट्रीज से छोटे होते हैं, ट्रीज जैसा नहीं होते, ट्रीज से छोटे होते हैं और हर्ब्स से बड़े होते हैं, यानी एकदम छोटे छोटे भी नहीं होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, उनको हम श्रब्स कहते हैं। इनकी क्या पहचान है, स्मॉल ये छोटे तो होते हैं लेकिन बट स्ट्रॉन्ग, लेकिन मजबूत होते हैं, और क्या होते हैं, बुशी होते हैं, यानी झाड़ीदार होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे रोज है, रोज का पौधा आपने देखा है, उसकी अगर स्टिक को कांटा हटा के अगर उसको छीला जाए तो उसमें से लकड़ी निकलेगी, यानी उसमें वो डाल जाता है, लेकिन ट्री की तरह नहीं आता, ट्री से कम होता है, पतले पतले स्टेम होते हैं जो कि वुडी होते हैं, ठीक है। तो श्रब्स क्या है, स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, छोटे लेकिन मजबूत एंड बुशी और झाड़ीदार। तो उसमें हो गया आपका रोज, हिबिस्कस, हिबिस्कस माने गुड़हल का पेड़ देखे हैं आप, तो उसको कहते हैं हिबिस्कस। तो ये दो एग्जांपल हो गया, कॉटन प्लांट भी होता है। देन नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पे, क्रीपर्स। ये सारे चारों जो है आपके स्मॉल प्लांट्स में आते हैं। तो क्रीपर्स, तो क्रीपर्स और क्लाइंबर लगभग सेम होता है, दोनों लताएं होती है, आपने लकड़ी वाला पेड़ देखा होगा, मम्मी लोग बांध के उसको छत पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्रीपर्स क्या होता है, बहुत पतला पतला स्टेम होता है, बहुत नाजुक स्टेम होता है, स्मॉल वीक स्टेम, माने बहुत छोटा होता है और पतला होता है, लत्तीदार होता है, ग्रो अलोंग द ग्राउंड। लेकिन क्रीपर और क्लाइंबर में अंतर क्या है, इसका भी पतला होता है, सॉफ्ट एंड वीक स्टेम होता है, और इसका सॉफ्ट एंड वीक स्टेम होता है, और इसका भी सॉफ्ट एंड वीक स्टेम होता है, दोनों का सॉफ्ट वीक स्टेम होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। क्रीपर क्या होता है, पतला लत्तीदार होता है, सॉफ्ट एकदम आसानी से टूटने वाला, और वीक स्टेम कमजोर होता है, ग्रो अलोंग द ग्राउंड। लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं वो जमीन पे लताएं फैलती हैं, जमीन पे लताएं फैलती, क्यों, रीजन, क्योंकि उसमें फल बहुत बड़े बड़े और भारी होते हैं, अगर उसको हम लत्ती बांध के ऊपर की तरफ लटका दें तो उनके फल इतने भारी होते हैं कि पेड़ को तोड़ देंगे, ठीक है। इसलिए क्रीपर जो होता है वो जमीन में फैलता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटरमेलन, वाटरमेलन का फल आपने देखा है, तरबूज, वो इतना बड़ा बड़ा होता है, तो अगर हम लत्ती बांध के उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो अगर तरबूज उसमें लगेगा तो प्लांट को तोड़ देगा, ठीक है, क्लियर। तो क्रीपर्स क्या होता है, सॉफ्ट एंड वीक स्टेम, ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जमीन पे फैलता है क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा फल होता है। तो इसका दो एग्जाम्पल है, एक पंपकिन, एक कदीमा जो होता है बड़ा बड़ा कद्दू, और और एक हो गया वाटरमेलन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का क्लाइंबिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। तो क्लाइंबर्स में क्या होता है, उसमें भी सॉफ्ट एंड वीक स्टेम होता है, पतला और कमजोर, आसानी से टूट जाता है, तो नीड सपोर्ट टू ग्रो
करके हम लत्ती जैसा बांध के ऊपर की तरफ चढ़ा देते हैं। जैसे आपके घर में मनी प्लांट आपने देखा है तो क्या होता है, वो दीवार को पकड़ के सब जगह उसमें फल होता ही नहीं, ठीक है। फिर ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल आपने देखी होगी छत पर, ऐसे जाली के ऊपर लटका दी जाती है और अंगूर उसमें से लटकता रहता है। तो इस तरीके से क्लाइंबर्स जो हो गया वो उसको एक सहारे की जरूरत होती है ऊपर की तरफ बढ़ने में, स्ट्रेट रहने में उसको एक सपोर्ट की जरूरत, पीट प्लांट भी होता है क्लाइंबर्स में। तो इस तरीके से आपके स्मॉल प्लांट्स में चार वैरायटीज होती है, हर्ब, श्रब्स, क्रीपर एंड क्लाइंबर। ओके, तो क्लाइंबर में भी हमने आपको ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, पीस एग्जाम्पल दे दिया। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे एक फिगर आपको बनाया गया है पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसके बाद टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट को आपने जान लिया, प्लांट के क्या क्या भाग होते हैं आपके इंग्लिश सेक्शन में आपको पढ़ाया गया था, वही चीज इस यहाँ पे रिविजन हो रहा है। जैसे ये फिगर आपको जूनियर सेक्शन में करवाया गया होगा, जैसे एक प्लांट आपके घर में प्लांट होता है, उसमें क्या है ये पोर्शन को हम कहते हैं फ्लावर, ये क्या है लीफ, ये क्या है फ्रूट, ये जमीन के नीचे वाला भाग होता है रूट, फिर ये सब क्या है ब्रांचेस, और ये जमीन से जस्ट ऊपर वाला भाग स्टेम होता है। ओके, तो ये फिगर को आपके बुक में भी दिया है ये फिगर, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम हो सकता है फिगर बनाने के लिए आ जाए, तो उसको घर में बैठ कर प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो सबसे पहले आते हैं रूट। रूट क्या होता है, जमीन के नीचे वाला भाग होता है, यानी जमीन से नीचे, जमीन के अंदर यानी मिट्टी में दबा हुआ रहता है, ठीक है, जमीन के अंदर दबा हुआ रहता है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को जबड़े में रहता है ताकि पेड़ ज्यादा हिल डुल के गिर ना जाए, जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है प्लांट गिर सकता है, वो उसको पकड़े रहता है जकड़ के, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा और क्या करता है, ये जमीन में से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाता है, ये भी वो मैंने फूड इसको सप्लाई करता है, ठीक है। तो फूड बनाने के लिए मिनरल्स और वाटर को सप्लाई करता है लीफ का। स्टेम, देन आपका स्टेम, देखिए यहाँ पे स्टेम है, यानी जमीन के ऊपर वाला भाग जो थोड़ा मोटा हो जाता है उसको कहते हैं स्टेम। स्टेम क्या करता है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते, स्टेम देखिए यहाँ पे स्टेम है, स्टेम ऊपर जाने वाले इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकली रहती है, तो किसी किसी में थोड़ी ब्रांचेस निकलती हो, तो बियर सो मेनी ब्रांचेस, तो इसमें खूब सारी ब्रांचेस यानी टहनियां लगी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांचेस में क्या लगा होता है, ब्रांचेस में लीफ लगा होता है, और ब्रांचेस क्या होती है, किसी किसी में बहुत ज्यादा होती है, किसी किसी में कम ब्रांचेस होती है, सब एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं फोर पॉइंट में लीफ। लीफ माने पत्तियां, पत्तियां कैसे कलर की होती है ग्रीन, तो ये क्या करती है, ये सारे प्लांट का के लिए खाना बनाती है। जैसे मम्मी आपके घर में किचन में खाना बनाती है, तो किचन में बनाती है, ऐसा तो नहीं कि रूम में बनाती है, किचन में बनाती है, उसी तरीके से लीफ एक तरह से प्लांट का किचन है और यहाँ पे खाना बनता है। ओके, तो लीफ क्या करती है, वो खाना बनाती है, किसके लिए प्लांट्स के लिए खाना बनाती है। फाइव में फ्लावर, अब देखिए फ्लावर का क्या काम है, ये पेड़ का सबसे खूबसूरत भाग होता है, ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। इससे क्या होता है कि मतलब और कलरफुल भी होता है, किसी में लाल होता है फूल, किसी में वाइट होता है, किसी में पिंक होता है, तो सब अलग अलग कलर के होते हैं, कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है। बहुत उस पेड़ में लगे रहने से बहुत सुंदर लगता है फिर। तो फ्लावर का क्या काम है, एक तो वो सुंदरता को बढ़ाता है, उसके साथ साथ फ्लावर जब वो सूख जाता है तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अब हम आते हैं फ्रूट, फ्रूट का क्या काम है, जो फल होता है वो बीज को छिपा के रखता है, यानी जीव बीज को सीड को बचा के रखता है, बियर सीड्स, उसके अंदर बीज होता है, डेवलप करता है और वो उसको बचा के रखता है, संभाल के रखता है। तो फ्रूट जो होता है और उसके बाद जो फ्रूट है उसको हम खाने में यूज भी करते हैं। देन आता है सारा काम सीड, सीड क्या है, बीज क्या है, बीज कहाँ रहता है, बीज फ्रूट के अंदर बीज में रहता है, और इस सीड का क्या काम है, ये जब हम फल सूख जाता है या फल खा लिया जाता है तो सीड को हम जमीन में डालते हैं, तो न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है यानी न्यू प्लांट बनाता है। एक नंबर, अब देखिए यहाँ फिगर में आपको थॉर्न नहीं दिखाया गया है, लेकिन थॉर्न के बारे में आपकी बुक में दिया गया है। तो थॉर्न सब में नहीं होता, थॉर्न मतलब होता है कांटे, तो कांटे सभी प्लांट्स में नहीं होता है, रोज वगैरह या फिर आपका लेमन के पेड़ में कांटे दिखते हैं, तो वो थॉर्न क्या है,
कांटे क्या है, शार्प पॉइंटेड वुडी प्रोजेक्शन, बहुत पॉइंटेड लकड़ी के जो होते हैं और चुभने वाले नुकीले ऑन द स्टेम, ये तने में लगे होते हैं। इस तरीके से वर्णन, तो ये पार्ट्स ऑफ द प्लांट आपको डिटेल्स में बता दिया गया है। थैंक यू।